बिजी है इसलिए मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग। देख लो मम्मी जी, पूजा छोड़ दी और देख रहे हो, ये सब मेरा खाना है जो मेरे बंगाली फैंस है वो उनको पता ही कैसे 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 सब बनाया गया है। यहाँ पे कोई रस्म होता है जिसमें कटोरी उठाना पड़ता है, उससे पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की, बट मिस्टी ने दोनों ही कटोरी एक साथ उठा लिया और देख सकते हो अभी आप। तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब जो गोद भराई होती है हमारे तरीके से, उसमें होता है कि बच्चे पहले खिलाते हैं 3 बार, फिर मैं उन बच्चों को खिलाऊंगी 3 बार, ऐसे करके हमारे इसमें गोद भराई किया जाता है बंगाली में। तो जो बंगाली व्यूअर्स हैं उनको मैं पता होगा कि कैसे करते गोद भराई। तो आप देख सकते हो पहले मेरे को 3 बार खिला देंगे और छोटे बच्चों के हाथ से खिलाते हैं 3 बार। तो यहाँ पे मेरे को सब कह रहे थे कि ज़्यादा मुंह बड़ा मत करना खाने टाइम, नहीं तो जो तुम्हारा बच्चा होगा होने वाला वो भी बहुत मतलब ऐसे करेगा, मुंह बड़ा करके खाएगा। देख रहे हो वीडियो में, कोई कुछ भी बोले हम लोग सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हाँ भाई सुबह से लगे, लेकिन हाँ वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, खास करके मेरे ससुर जी, पता है आपको सुबह से खाना बना रहे, सुबह से मतलब ये समझ लो कि 1 बजे के आसपास से खाना बनाना स्टार्ट है। और आपको पता है दोपहर में कितनी धूप पड़ती है, आप देख लो वहाँ पर कुछ है भी नहीं, ठीक है। हमको मतलब कोई आइडिया नहीं है, पहली बार कर रहे तो बताना भूल गए। और अभी हम लोगों ने, मैंने और जितेंद्र ने मिलकर अभी ये टेबल लगा दी है, अभी इस पे भी कागज ठोकना है। तो ये रही आपकी मिस्टी ढोई। ढोई नहीं होता। तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं खाना खा रही हूं और नीचे बैठी यहाँ पे खा रहे, ये भी खा रही है, वो हेल्प करा रही है क्योंकि मैं तो सारा खाना नहीं खा पाऊंगी। हाँ। और दीप भी हेल्प करा रही है खाने में, मैंने थोड़ी सी हेल्प करी थी, ज्यादा हेल्प नहीं की। और अनु खा गए, अनु बैगन खा के चली गई अपना, हमारी सिंपी बहन सालू को रेडी कर रही है और पूड़ी बना के आई है भी ये इस अपने हाथ से। ऐसा लगा पूड़ी बना के तुमको? अच्छा लगा। अरे गाना चल रहा है कॉपीराइट करने का मतलब कि बिल्कुल बेकार लग रहा था पूड़ी बनाने में। ये मेरी बड़े पापा की बेटी है और इसको बहुत शर्म आ रहा है, पता नहीं क्यों। और ये लक्की भाई हमारे गेम खेलते हुए इधर, भाई मैं मिस्त्री नहीं हूँ भाई। अभी सब लोग खाना पीना हो रहा है चल, और इधर भी सभी लोग हैं, मम्मी बैठी हुई और बड़ी मम्मी कह रही है आराम से खाना, सरकना नहीं चाहिए नहीं तो एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा अभी। आंटी आप खिला रहे हो खाना? हाँ। सही है, देखो बुआ पोज देके बैठ गई पहले ही। बुआ इधर पहले बैठी है। ये क्या है? चटनी है टमाटर का ये केरी लग रहा है, इमली है, इमली की चटनी जैसे दिख रहा है, करे में बनाया ना। अच्छा ओके, अभी लाइट भी खराब हो गया गाइस, देखो कितना बढ़िया किस्मत है, एक लाइट जल रहा है बस इधर का और इधर का खराब हो गया,
डीजे वाले को बुलाया, मतलब डीजे लगने सॉरी तार वाले को बुलाया, अभी ठीक करेगा। अगर पार्टी में कुछ ख़राब ना हो या डीजे ना ख़राब हो या लाइट ना ख़राब हो तो पार्टी नहीं होती। और वही हमारे साथ हो चुका है, लाइट्स बंद हो चुकी हैं, पता नहीं क्या हो गया, लाइट अचानक से। आलू खाओ, आलू आलू खा लो फ्रेंड्स। ये हमारा पनीर है, यहाँ हमारी पार्टी हो रही गाने का साउंड आ रहा होगा। एक घंटा डीजे बंद करने के बाद, लाइट वाइट खराब होने के बाद दोबारा हम लोग अपने जोश में आ चुके हैं और ये लोग फिलहाल के लिए घर जा रहे हैं। और इधर आ, इधर तू, इधर आ पहले, इधर आ तू पहले। तू बीबी का इलाज करवाने गया था, खुद ही बीमार हो गया, लेट गया था वहीं पे। पट्टी लगा रहा था ना। अच्छा, पट्टी लगा। सो गाइस अभी ये लोग जा रहे हैं, बाय बाय सबको। दिख रही है ना। सो अब हम चलते हैं। अभी मैंने खाना नहीं खाया और जितेंद्र भाई अभी भी आया है जस्ट, तो दोनों साथ में खा। और अभी कुछ बहुत सारे लोग हैं, अभी पता है। ये देखो गाइस, ये क्या है, ये नाक पे क्या लगा? सिंदूर लग गया, सिंदूर लग गया है गाइस। और ये लोग अपनी मम्मी को खिलाएंगे, खिला देना, बोल देना कनिका ने बड़े प्यार से दिया है ना। यार लकी भाई, मैंने तेरी मम्मी पापा को नहीं देखा आज तक। मम्मी पापा को? हाँ देख लेंगे। अरे इनको नहीं देखा? अरे भैया देखा? अरे झूठ है, झूठ है, झूठ है। ओ भाई साहब, तुम लोग किस बात के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? पहले ये बताओ पहले। नहीं भाई, नहीं है, नहीं अब लोगों को क्लियर कर दो, नहीं है भाई। लो भाई, लो क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन है ना, आई हेट। क्यों तेरा नहीं इसमें? गजब बेइज्जती है। सही है, सही है। चलो आ चलते, चलो चलते हम लोग, बाय बाय। चोट कैसा लग गई? तो यहाँ पे मिष्टी सबको इंट्रोड्यूस करवा रही थी, बट डीजे का साउंड चल रहा था इसीलिए हमको म्यूट करना पड़ा। हम अभी खुद से वॉइस ओवर कर रहे हैं। और यहाँ पे पापा खाना बना रहे थे। हाँ, ग्रीन टी शर्ट वाले मिष्टी के पापा हैं और ये जो ब्लू एंड रेड टी शर्ट में जो है ये वो जीजा है मेरे, ये जीजा है। और जो बैठी हैं सामने सब लोग, ये ग्रीन साड़ी में कनिका की मम्मी, आप जानते हो, सब आप लोग जानती हो पहले से। और उधर हमारी काम वाली आंटी मतलब बैठी हैं जो हमारे घर में काम करती हैं, सबको हेल्प करा रही थी। हाँ किर मिला थी जंबू, हेलो ऊपर ऊपर देना सब बोलो और आंटी ने भी सुबह से काम किया बहुत अच्छा। आंटी थक गए, आंटी कल छुट्टी मारेंगी मेरे को पता ही। अच्छा कल तो आंटी की छुट्टी है वैसे भी, और माँ तो भी बस, मम्मी भी बहुत थक गई है सुबह से काम करके। सुबह से वैसे ही चल रहा है काम, अभी मम्मी ने सुबह से खाना भी नहीं खाया, अभी खाना खिलाएंगे मम्मी को, पापा को भी खाना खिलाएंगे। और वहाँ पे सब बैठे हुए हैं, सब काम करवा रहे हैं, हेल्प करवा रहे हैं, और अभी सबको खाना खिलाएंगे। अभी हम लोगों ने तो खा लिया थोड़ा बहुत, और अखन चल जावा पारी खेते, तो मम्मी अभी खा के घर चली जाएंगी। और कल भी घर पे भी कुछ प्रोग्राम है मम्मी ने रखा है, तो उसका भी हम आपको दिखाएंगे सारा। अरे देखो निक्की बेल रही है, उसका अलग से रोटी है ये निक्की, देखी। तो यहाँ पे अभी सभी लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, जो लास्ट में बचे हुए थे सभी लोग, बाकी सभी जो मेहमान आए थे सभी ने खा लिया था खाना,
और यहाँ पे मेरे मतलब आंटी और मम्मी पापा सब खाना खा रहे थे। मम्मी पापा सब लोग बैठे हुए हैं और जीजा तो इसके अभी तक खिला ही रहे हैं, उनका साथ पेट भरा हुआ है है ना मिष्टी? हाँ वो भी खाएंगे अभी, वो भी लेके मतलब अभी खा लेंगे, अभी पहले सबको खिला दे रहे हैं, पहले सबको खिला दे रहे हैं। अभी बज रहे रात के 11 और इधर मेरे सिस्टर्स सारे छत पे सो रहे हैं मतलब, और सब ये टोटल 6-7 जने हैं, और क्योंकि हमारा रूम आपको पता है थोड़ा छोटा है तो सब लोग एक साथ नहीं सो सकते नीचे, इसलिए ये लोग ऊपर सो रहे हैं। 11 बज रहे हैं और जितने मेहमान थे सब चले गए, और मम्मी पापा थे मेरे वो भी चले गए, उनको भी लेट हो रहा था, और सिर्फ मैं और मिस्टू और घर वाले हैं अभी तो। अभी मेरे घर पे भी कुछ प्रोग्राम है तो उसके लिए भी वहाँ पे भी सब तैयारी करना है, तो मम्मी पापा चले गए सब, और अभी थोड़ा सा माहौल बहुत शांत हो चुका है, सब अपने अपने रूम में सब चले गए सोने के लिए, और अभी हम लोग भी जा रहे हैं सोने क्योंकि सब थक गए, मिस्टू भी बहुत थक गए, वो भी बैठे हुए वहाँ पे, उनके पैर में दर्द हो रहा है, मेरा पूरा बॉडी दर्द हो रहा है। The next day. Hey guys, good morning. और अभी मैं आया हूँ छत पे, सारा काम मतलब सब लोग अब जा चुके हैं, और थोड़ा बहुत और मतलब मेरी बुआ हुआ है, तो ये कूड़ा अभी मैं देख रहा हूँ कहाँ कहाँ पे कूड़ा फैल रखा है, वो सब इसमें डालूँगा और कूड़े वाली गाड़ी आएगी उसमें ले जाके पलट दूँगा। वैसे गाड़ी आ चुकी है, मुझे आवाज़ आ रहा है गाड़ी का, तो मैं जल्दी जल्दी सारा समेट लेता हूँ पहले। तो ये वीडियो यहीं तक, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, और दोनों का नाम नीचे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम का, जाके फॉलो कर लेना, मिलते हैं डिस्क्रिप्शन में। हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Doubt creeping, gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold.